सो चलिए पिछले तो थोड़ी बहुत टॉप ऑटो न्यूज बारे बात कर लेते हैं। अगर पहले इसकी बात करें तो टाटा नेक्सॉन फेसलिफ्ट एक गैराज के अंदर खड़ी थी और वहां पर उसके इंफोटेनमेंट सिस्टम के अंदर हमें ये देखने को मिला। रियली ये यहाँ पर देखो आप सीएनजी का साइन, और सीएनजी का साइन दिखा ये तो आम बात है, बट इलेक्ट्रिक गाड़ी के अंदर सीएनजी साइन दिखा ये थोड़ा अजीब बात है। बट यहाँ पर दिख रहा है हमें, शायद ये कोई सॉफ्टवेयर ग्लिच हो, क्योंकि हमने पहले भी टाटा गाड़ी के अंदर मारुति का लोगो देखा है। सो ये कोई बड़ी बात नहीं है, बट इस चीज के कारण एक चीज हम यहाँ पर थोड़ी बहुत क्लियर कह सकते हैं कि इन द फ्यूचर शायद, क्या मतलब मैं अराउंड 80% श्योर हूँ कि इन द फ्यूचर टाटा नेक्सॉन ICNG भी लॉन्च होगी, वो भी डुअल सिलेंडर टेक्नोलॉजी के साथ। अभी सेगमेंट के अंदर ब्रिजा CNG आती है, बट इन द फ्यूचर ये कुछ महीनों में 5-6 महीनों के अंदर टाटा नेक्सॉन ICNG भी लॉन्च हो जाएगी मुझे तो लगता है। वैसे आप बताइए क्या टाटा नेक्सॉन ICNG लॉन्च होगी, टेल अस इन द कमेंट सेक्शन। एंड एक और चीज कर दो भाई, लाइक एंड सब्सक्राइब, इससे हमारी काफी हेल्प हो जाती है, सो प्लीज क्लिक इट। उसके बाद अगली न्यूज, सोकिया सोनेट फेसलिफ्ट लॉन्च होने वाली है और अभी इसकी कुछ स्पाई पिक्चर्स लीक हुई हैं, यहाँ पर आप देख सकती हो। इसके पीछे हमें वो कनेक्टेड पार्ट पूरा दिख रहा है एंड नई टेल लाइट, और जिसका फ्रंट होगा वो भी कुछ हद तक हमें नया दिख रहा है, और इंटीरियर कुछ ऐसा होगा इसका। और एक इमेज लीक हुई है यहाँ पर आप देख सकती हो, 16 इंच के अलॉय व्हील्स हमें यहाँ पर दिख रहे हैं। 16 इंच की व्हील्स ठीक है, छोटे हैं, 17 देने चाहिए, पर ठीक है। और इस गाड़ी का लॉन्च अराउंड नेक्स्ट 2 मंथ के अंदर हो जाएगा। उसके बाद अगली न्यूज, होंडा क्रेटा फेसलिफ्ट भी प्रॉपर लीक हुई है इंडिया के अंदर, यहाँ पर आप देख सकती हो भाई, एकदम नई वाली है। जो होंडा ट्यूसॉन से इंस्पायर थी वो वाली नहीं है, ये इंडियन वर्जन है जो कि इंडिया के अंदर लॉन्च होगी कुछ नए एंड डिफरेंट डिजाइन के साथ, जिसका फ्रंट शायद कुछ ऐसा होगा होंडा पहले सेट की तरह। और इसके अंदर भी हमें कई सारी चीजें मिल जाएंगी, 360 कैमरा, अडास लेवल 2, नए लग्जरी इंटीरियर एंड कई सारी नई चीजें हमें इसके अंदर मिल जाएंगी। और इसका लॉन्च अराउंड हम नेक्स्ट ईयर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लगभग फरवरी मार्च के आसपास। उसके बाद अगली न्यूज, तो टाटा हैरी भी लीक हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हो, और यहाँ का मामला भी एकदम नया होगा एंड पूरा ऐसे फ्रंट में कनेक्टेड पार्ट होगा इस लाइन से लेकर इस लाइन तक। एंड आफ्टर टाटा हैरियर सफारी के फेसलिफ्ट के बाद इनका इलेक्ट्रिक वर्जन भी आएगा, जैसे कि टाटा नेक्सॉन ईवी आती है उसका बड़ा भाई, उसका बड़ा वर्जन टाटा हैरियर सफारी ईवी आएगी। वैसे सफारी ईवी थोड़ा मुश्किल लग रही है अभी तो, बट हैरियर ईवी लॉन्च होगी, क्योंकि अगर ये लोग सफारी ईवी करते हैं तो काफी महंगी हो जाएगी, अराउंड 32-34 लाख तक। एंड उस प्राइस के अंदर शायद ये लोग टाटा सियेरा ईवी लॉन्च कर दें, तो सेगमेंट के अंदर एक गाड़ी होनी चाहिए, क्या मतलब है इसको। बाकी हैरियर ईवी नेक्स्ट ईयर के लास्ट तक लॉन्च होगी। उसके बाद अगली न्यूज, टाटा पंच ईवी भी लॉन्च होने वाली है नेक्स्ट मंथ। ऐसी काफी सारी पॉसिबिलिटीज एंड काफी सारी खबरें आ रही हैं अंदर से, मतलब कुछ वेबसाइट्स एंड कुछ ऑटो जर्नलिस्ट कह रहे हैं ऐसा कि नेक्स्ट मंथ टाटा पंच इलेक्ट्रिक लॉन्च होगी। वैसे मुझे तो नहीं लगता, अकॉर्डिंग टू मी टाटा इसको दिसंबर या फिर जनवरी तक लॉन्च कर देंगे, और इसके अंदर भी हमें कई सारी चीजें मिल जाएंगी। टाटा का नया वाला स्टीयरिंग व्हील जहां पर एल्यूमिनेटेड हमें लोगो मिलेगा टाटा का ऐसा चमकता हुआ, एंड फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, बड़ी वाली टच स्क्रीन एंड काफी कुछ हमें यहाँ पर मिल जाएगा, इसके फेसलिफ्ट के अंदर। उसके बाद अगली न्यूज, समझी वालों ने अपने हेक्टर के अंदर अच्छा खासा प्राइस रिड्यूस कर दिया है। इनके बेस वेरिएंट स्टाइल पेट्रोल के अंदर आपको अप टू 27,000 का डिस्काउंट मिलेगा, एमसीवी प्रो पेट्रोल के अंदर 66,000 रुपीज, और ये कुछ नहीं है भाई, डीजल के अंदर आप देखो जो इनका शार्प प्रो वेरिएंट है उसके अंदर आपको 1,21,000 रुपए तक का डिस्काउंट मिल रहा है। That was very huge. क्या बात है भाई, गाड़ियां बिकने रही हैं क्या भाई, ऐसी बात नहीं है। जो हमारे पार्ट्स जो महंगे हुए थे वो मामला थोड़ा ठंडा हो रहा है, सब जो सारे पार्ट्स हैं वो थोड़े सस्ते हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमें सारे प्राइस कम मिल रहे हैं देखने को। अब अराउंड सारे ब्रांड्स अपनी गाड़ी के प्राइस थोड़े बहुत कम कर देंगे एंड ये धीरे धीरे थोड़े और कम होंगे, बट एक को छोड़कर टोयोटा फॉर्च्यूनर, वो तो 2-3 साल के अंदर 1 करोड़ की हो जाएगी, या फिर 2-2.5 करोड़, 5 करोड़ तक मान सकते हो आप उसको। और यहाँ पर आप देख सकते हो टाटा सफारी भी लीक हुई है, इसकी एक प्रॉपर से वीडियो लीक हुई है, यहाँ पर आप देख सकती हो। यहाँ पर भी हमें कई सारी नई चीजें मिल जाएंगी, नए टेल लाइट्स, नई लुक, नया फ्रंट, साइड सेम रहेगा पहले जैसा, एंड इंटीरियर भी हमें ऑल न्यू मिलेगा, एंड एक नया पेट्रोल इंजन सफारी के अंदर भी एंड हैरियर के अंदर भी, 1.5 लीटर का 160 HP वाला, सही है काफी। एंड एक न्यूज, मिलते हैं नेक्स्ट वाले में, बाय।